ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। ऐसी ही हेडलाइन चलेगी जिस दिन सरजी गिरफ्तार होंगे। यही सोच सोच के तिल बैठा जा रहा है, यदि धीरज साहू ने आप ज्वाइन की होती तो एक घर से एक फूटी कोड़ी भी बरामद नहीं होती। घोटाला करके पैसे गायब करने की निंजा टेक्निक सिर्फ आपके पास है। समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया केजरीवाल एंड कंपनी के हर कारनामों को क्यों छुपा रही है, क्योंकि घोटालों में भी रोजाना कोर्ट में हलचल हो रही है और मीडिया चुप है, खासकर टीवी मीडिया। तभी तो इतनी बड़ी खबर किसी ने भी नहीं दिखाई। प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने तर्क दिया कि संजय सिंह से बरामद दस्तावेज न्याय की रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे, जो उनके कथित प्रभाव को उजागर करता है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सुनवाई स्थगित करते हुए 12 दिसंबर के लिए तारीख दी। मंगलवार को अब बचाव पक्ष के वकील अपनी जवाबी दलीलें पेश करेंगे। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मत्ता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया है। जवाब में संजय सिंह ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से अदालत से अपनी रिहाई की अपील की और कहा कि उनके खिलाफ जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है। उनके वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि सिंह की लगातार हिरासत का कोई उद्देश्य नहीं है। विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर विचार करते हुए, जो उनकी जांच के अंत का संकेत है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि हिरासत में आगे की पूछताछ अनावश्यक थी, जिससे स्पष्ट है कि सिंह को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि ईडी ने पलटवार करते हुए कहा, जांच अभी जारी है, इसलिए सिंह को हिरासत में रखा गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि सिंह को जमानत देने से पहले चल रही जांच में बाधा आ सकती है, जिससे प्रभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत पेश की। हालांकि गवाह संरक्षण योजना के तहत अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लंबित होने के कारण दस्तावेज को सील कर दिया गया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए न्यायाधीश ने पूरक शिकायत को सील करने का आदेश दिया। साथ ही गवाह के लिए छद्म नाम का उपयोग करते हुए एक प्रति रिकॉर्ड पर दर्ज की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक वित्तीय जांच एजेंसी ने सिंह के खिलाफ 60 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अपने आरोप पत्र में आरोप लगाएगी कि संजय सिंह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। ईडी ने आरोप पत्र में एक और व्यक्ति को भी आरोपी बनाया है, हालांकि उन्होंने अभी तक का नाम का खुलासा नहीं किया है। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।